म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं VBA माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। और जैसा कि मैंने बताया था, ये VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग की न्यू बैचेज है जिसमें हम तीसरी क्लासेस को कर रहे हैं। पहली क्लासेस हमारी थ्योरिकल थी, दूसरी क्लासेस में हमने रिकॉर्डिंग माइक्रो के ऊपर, प्रिपरेशन माइक्रो के ऊपर बताया था, और हमने आपको बोला था रिकॉर्डिंग माइक्रो के और एग्जाम्पल करने के लिए। आज हम आपको रिकॉर्डिंग माइक्रो को यूज करके एक ऑटोमेटेड फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, ये हम चीज बताएंगे। मतलब कि रिकॉर्डिंग माइक्रो भी बताएंगे, साथ में उसकी एडिट कैसे करेंगे, इस एडिट का भी एग्जांपल देंगे। तो हमारे साथ अतीश जी हैं, पुष्पेंद्र जी आने वाले हैं और अनिल यादव जी हैं। अनिल यादव जी को मैंने होमवर्क दिया था कि एक ऑटोमेटेड अटेंडेंस का फॉर्मेट बनाने के लिए, बट वो बनाने में असफल रहे। तो चलिए अनिल यादव जी, हम आपकी इस प्रॉब्लम को खुद से करते हैं। ओके, आप लोगों को रिकॉर्डिंग अलाउ कर दी गई है, यू कैन स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग करने से पहले जो एक्स्ट्रा सीट वगैरह है उस पर ना जाए, एक्स्ट्रा फाइल वगैरह पर ना जाए, एक्स्ट्रा माउस मूविंग वगैरह ना करें, इसका ध्यान रखें। रिकॉर्डिंग में आपको करते समय डेवलपर में जाते हैं, रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करते हैं, माइक्रो का नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपने माइक्रो के शॉर्टकट भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्यू डाल दिया, कंट्रोल क्यू से मेरा माइक्रो रन हो जाएगा एंड ओके कर देता हूं। अब मैं जो भी करूंगा मेरा माउस इवेंट होगा। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे मंथ चाहिए और मंथ में मैं इस महीने का फर्स्ट डेट डाल देता हूं एक ही, और इसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग अब चेंज करते हैं मंथ की फॉर्मेटिंग। ये सारा सेशन रिकॉर्ड ट्रिपल मंथ का रिकॉर्ड हो रहा है। एक बार कर लेता हूं, फिर इसकी कोड एक्सप्लेन करूंगा आपको। फिर यहां पे हमारा आएगा नेम, नेम में यहाँ पे आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिपार्टमेंट और जो कुछ डालना है तो डाल सकते हैं, फिलहाल मैं इतना ही डालता हूं। फिर यहाँ पे हम इसको लिंक करते हैं महीने और इसकी फॉर्मेटिंग हम चेंज करते हैं फॉर्मेट में जाके तो फॉर्मेट। पुष्पेंद्र जी गुड इवनिंग, उसने ज्वाइन नहीं किया अभी, हम इसमें प्लस वन करते हैं, फिर इसको कॉपी करके हम एक पर्टिकुलर एरिया पे जाते हैं पेस्ट करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट फॉर्मूला लिखता हूँ और इसमें फिर तीन बार डीबी कर देता हूँ ताकि सैटरडे संडे आ जाए, और इसको भी हम से ये हमारा देखिए पूरा सैटरडे संडे आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि सैटरडे संडे को हाईलाइट करना। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, होम पे गए और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, और इस पे हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला लगाया और का कि और हमने बोला डी फोर इज इक्वल टू सैटरडे कॉमा, फिर इसको सेलेक्ट करके बोला इक्वल टू संडे, और मैं इसमें से डी के आगे का डॉलर हटा देता हूं और फिर इसमें मैं अपनी
कलर अप्लाई करता हूं एंड ओके एंड ओके। और फिर फॉर्मेट प्रिंटर से या पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए कॉपी जो होता है, पेस्ट एज ए फॉर्मेट होता है, उसको अप्लाई कर दिया एक सिलेक्टेड फॉर्मेट जहां तक मुझे चाहिए। उसके बाद हम इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करते हैं और इसकी बैकग्राउंड कलर कुछ और देते हैं। बोल्ड करते हैं फिर और नीचे तक सेलेक्ट करते हैं और इसका हम बॉर्डर कुछ और देते हैं और पूरी सीट को सेलेक्ट करके मैं डबल क्लिक करता हूं ताकि ये ऑटो फिट हो जाए। अब मेरा जो एरिया है उस एरिया को सेलेक्ट करता हूं, इसमें और भी कुछ कंडीशंस देने हैं, जैसे कि मैं चाहता हूं कि कोई लीव ले तो हाईलाइट हो जाए, तो इक्वल टू में हमने बोला कि एल और यहाँ पे हम रेड कलर से इसको हाईलाइट कर देते हैं कि भाई ये लीव लिया हुआ। और भी चीजें इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरा फॉर्मेट फाइनल हो गया। अगर सीट टू पे जाऊं, अगर मैं सेम मैक्रो को रन करता हूं, मान लीजिए मैक्रो में गया और अटेंडेंस मैक्रो को रन किया या शॉर्टकट अप्लाई कर दिया, तो मेरा जैसा फॉर्मेट है वैसा बन के आ जाएगा, लेकिन सिर्फ उसी महीने। और यहां पे आप देखेंगे 31 तक आएगा, ठीक है। अब चलिए इसकी कोडिंग को देखते हैं, कोडिंग काफी ज्यादा हो गया, कोडिंग को देखते हैं और कोडिंग को थोड़ा सा डिलीट कर दे। देखिए सिलेक्शन डॉट एंड टू लेफ्ट आ रहा है ना, एक गलत है, इसको रखने की जरूरत नहीं है। डी सिक्स सिलेक्ट तो हो ही गया ना, अब कोड को समझिए। ए टू ए यहां पे ए टू डॉट सिलेक्ट और उसमें हमने मंथ टाइप किया, तो यहां हम सिलेक्ट के जगह पे मैं यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू करके अपना डाल सकते हैं। ये हमारा डेट डाला हुआ है, डेट का हमने फॉर्मेट नंबर फॉर्मेटिंग हमने चेंज किया, हमने नेम दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया, डिपार्टमेंट दिया और फिर हमने यहाँ पे दिया फॉल्स, कट को भी मैंने स्केप मारा हमने और यहाँ पे एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला, मतलब कि ए टू हमारा एक्टिव है। हेलो हेलो, ई फाइव हेलो डॉट सिलेक्ट, हाँ बोलिए सुन रहा हूँ सर। क्लास की टाइमिंग क्या है सर? हाँ पुष्पेंद्र जी, सर जाहिद बात कर रहा हूँ मैं। सर जाहिद जी सॉरी, क्लास की टाइमिंग वही 10-10 के आसपास स्टार्ट हो जाती है सर। 10 बजे या 10:15 कहा था आपने, मैं एक्चुअली 10 से 10:15 के बीच में मैंने बोला था क्योंकि लास्ट क्लासेज है ना सर, तो हम इंतजार नहीं करते, स्टार्ट कर देते हैं। ओके, मैं एक्चुअली 10:15 का वेट कर रहा था तो मैंने इसलिए किया, मैंने क्योंकि कल मैं ट्राई कर रहा था कल वन सर आपको सर कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड कोई बात नहीं सर, बेसिक है आपको पता ही सारी चीजें, रिकॉर्डिंग भी किया है मैंने, जस्ट वीवी कंसेप्ट अभी स्टार्ट किया है। एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला यहाँ पे देखिए ये R1C1 मेथड में ले लिया हुआ है, मतलब कि D5 पे कर्सर है आपका, देख रहा था आपको क्या है D5 पे कर्सर, D5 यहाँ से इसको ले लिया, B2 को लिया हुआ। अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप इसमें से R1C1 हटा दें और यहाँ पे आप सिंपल D5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज की फॉर्मूला डिली हो गई और यहां भी दिक्कत है, यहां पे इक्वल D5 नहीं होगा, माफ कीजिएगा, ये होगा बी, यहां पे हाँ B2 और यहां होगा D5 और उसको कॉपी करके हमने लास्ट तक पेस्ट कर लिया। यहां पे हमने टेक्स्ट कॉमा लगाया हुआ है D5,
यहाँ पे देखिए हमने और का कॉमा लगाया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, तो बाकी सब सिर्फ आपका सेम है, आपका ऑटोमेटिक अटेंडेंस बनाता है, लेकिन ये हमेशा महीने का डेट दिख रहा है आपको, डेट उसी डेट से बनाता है, तो इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या बोलना है जी? मैंने आपको ऐसा बनाया जैसे मैं रन करूंगा तो आप देखिए पूरा यहाँ पे दिक्कत हो गई। ओके ये एट द रेट लगा हुआ है, क्यों एट द रेट क्यों लग गया इसमें? ई फोर डी फोर हो गया, डी फोर यहाँ पे दिक्कत है। देखिए ये फॉर्मूला आर वन सी वन दिख रहा है ना आपको सर, ये आर वन सी वन में थर्ड पे था इसलिए दिक्कत हुआ है। डी फोर डॉट सिलेक्ट, डी फोर डॉट सिलेक्ट, ओके ओके, हमने दो बार फॉर्मूला डाला हुआ है। सर ये बाय डिफॉल्ट आर1 सी1 फॉर्मेट में लेता है। हाँ मैंने इसको हटा दिया, अब देखता हूँ क्या होता है। फॉर्मूला आर वन सी वन कर दिया था हमने, ये यहाँ पे हम आर वन सी वन डिलीट नहीं किया था, अब सही देगा। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से जो आपको समझ में आए उसी को चेंज कीजिएगा, ठीक है। तो
तो कनेक्ट मतलब है कि आप इस तरह से अपनी फॉर्मेटेड को तैयार कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं अपनी फॉर्मेटिंग को। यहाँ पे दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसके ऊपर है जहां पर हमने यहाँ दिक्कत हो, तो बोलो दिक्कत क्या हो रही है। फॉर्मूला R1 से फॉर्मूला चेंज नहीं किया, बेटर है। अब इसमें ऐसे आप देखिए, पहली चीज यहाँ पे क्या क्या ऑटोमेट की जा सकती है। पहले ऑटोमेट की जा सकती है कि आपने यहाँ जो डेट है, इस डेट को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। डेट को हम अपने हिसाब से ऑटोमेट कर सकते हैं। इस डेट को क्या ऑटोमेट कर सकते हैं, मैं चाहता हूं जैसे मेरा स्टार्ट हो जाए, मतलब कि हर महीने के स्टार्ट ये जो मैं डेट डाल, जो मंथ में डालू वो मंथ हो जाए, हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, कैसे? अब जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि मैं जो मंथ डालू उसका हो जाए, तो मैं यहां पे करूंगा m इक्वल टू इनपुट इनपुट बॉक्स और यहां पे एंटर मंथ। ठीक है, यहां पे हम एंड के साथ कौन कटा नेट कर देते हैं। जैसे मैं यहां रन कर, मुझसे पूछेगा मंथ, मान लीजिए मैंने दे दिया दूसरा, मैंने देता हूं तीसरा महीना, मार्च का बन गया, मार्च के हिसाब से फॉर्मेटिंग हो गया। और ये नहीं कि ऑटोमेट है, मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे दिसंबर का करना है, तो मैं यहाँ पे दिसंबर का डेट डालूंगा तो पूरा दिसंबर के हिसाब से हो जाएगा, ये ऑटोमेट भी है। ओके, तो पहली ऑटोमेशन मंथ की है, मंथ की ऑटोमेशन हमने कर दी, समझ में आ गया आपको। अब दूसरी, अब इसमें एक चीज और भी है कि बहुत लंबा कोड बन गया है, इतना लंबा कोड नहीं बनेगा जब आप राइट करोगे तो। क्यों? इसी देखो ए टू डॉट सेलेक्ट और फिर आपने फॉर्मूला डाला हुआ है, तो मैं डायरेक्ट जो है इसको करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहीं पे इसको डाल सकता हूं। यहां एक लाइन बच गया आपका, समझ गए? ऐसे यहाँ पे दो दो लाइन हो रखा है, जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो एक लाइन में आ जाएगा। तो आप कहीं अगर कोड करेंगे, किसी ने कोड करने के लिए दिया तो आप इसी तरह से कोड करेंगे, ठीक, मतलब कि आप नॉर्मल कोड करेंगे, इस तरह से रिकॉर्ड मत करें, वरना समझ जाएगा कि रिकॉर्डिंग किया हुआ है। रिकॉर्डिंग से आप हेल्प ले सकते, ठीक है। सर, तो मुझे एक ऐसा फॉर्मेट बना के आप लोग भेजिए प्लीज। अनिल यादव जी हो जाएगा ना,
यस सर हो जाएगा ओके तो एक्सएलएसएम क्या एक्सएलएसएम फाइल सेव करेंगे ना फाइल तो जो भी आप सेव कीजिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हाँ जो माइक्रो आपने बनाया है जिसमें कोडिंग लगी हुई है उसमें एक्सएमएस फाइल होनी चाहिए ठीक है ओके तो मुझे बना के भेजिए फिर आगे की चीज हम करेंगे ठीक है ओके सर ठीक है ओके गुड नाइट सर